सो हेलो गाइस, क्या बात है। न्यू फ्रॉम साउंड्स ऑफ एशिया। सो वेलकम टू माय लेटेस्ट एपिसोड सीजन। दिस इज द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ गोरेगांव टू कांदिवली टू गोरेगांव। सो आई गो टू कांदिवली फॉर बेन एंड अन्या का क्लास। तो मैंने सोचा क्यों ना एक एपिसोड बना दिया जाए और आपको पूरी तरीके से ये गोरेगांव टू कांदिवली का पूरा रोड दिखा जाए। राइट, तो आज ये पहला एपिसोड हम प्रारंभ कर रहे हैं, है ना। तो आज हो गया 24 तारीख, संडे है, 4:16 हो रहा है एंड द टेम्परेचर इज 35°C। इट्स अनहेल्दी। तो चला जाए और आप एंजॉय कीजिए रोड को अच्छी तरीके से। सो वी हैव मल्टीपल वेज टू गो। इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, है ना, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं। बट आज आपको मैं मेन रूट से ले जा रहा हूँ। ओके, आई होप यू विल बी एंजॉइंग इट। सो चला जाए। तो ब्रेकर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई गेस सिर्फ हाईवेज पे ब्रेकर्स नहीं होते हैं, बाकी मेरे हिसाब से हर जगह ब्रेकर बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि नौजवान बच्चे जो हैं बहुत ही ज़्यादा, ये देखो बच्चा हमारा मस्त कैप पहन के, हो क्या बात है। ब्रेकर्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नौजवान बच्चे जो हैं अपने आपा को ना खो दें, और उनको बिल्कुल मालूम रहना चाहिए, और एक ब्रेक लगाने वाला कोई तो एक सिस्टम रहना ही रहना चाहिए। और जैसा कि आई कैन सी थोड़ा ट्रैफिक सामने कुछ फंसा हुआ है मे बी। चलो, हमारा सिग्नल तो ग्रीन हो गया, तो लेट्स गो। एंड अब इन अ वे आई कैन से कि द रोड ऑफ मुंबई एक्चुअली गेटिंग गुड। कहीं कहीं पर खड्डे हैं, बट आने वाले वक्त में आई बिलीव कि सही हो जाएगा, उम्मीद कर सकते हैं। और हमारे सब्जी जो है थोड़ा रेव कर रहे हैं, और हमें तो रेव करना ही है। रेव बेसिकली ज़्यादा एक्सलरेट करके या गाड़ी को ज़्यादा नहीं भगाना, क्योंकि हमारे राशि में लिखा हुआ है हमारा रैश ड्राइविंग हमारा दुश्मन हो सकता है। तो बात जब आती है रैश ड्राइविंग पे, तो मैं गाड़ी जो है बहुत ही कम उम्र से चला रहा हूँ, और मैंने बाइक जो है, मैं पापा का बाइक लेके ऐसे ही निकल जाता था एक बार। बहुत सारी ऐसी कहानी, एक बार मैं स्कूल से आया था और फिर बाइक लेके निकल गया था, कुछ ठेला वाले थे उनको ठोक के भाग गया था। एक आध बार पापा के बाइक को लेकर गिर भी गया था। और यहाँ ऐसी कुछ कहानियाँ हैं। और मैं बेसिकली अपने स्कूल में अमंग द रैश ड्राइवर्स जाना जाता था, कि गाड़ी जो है बाइक वगैरह बहुत ही गंदे तरीके से चलाया करता था। अभी ये एहसास होता है कि ईश्वर ने कितना मदद किया हमें, कि उतना बुरा मैं गाड़ी चला भी रहा था, फिर भी बहुत 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 ज़्यादा ईश्वर ने मदद किया, हमारा सुरक्षा किया, तो ईश्वर का धन्यवाद। और आज वो समझदारी भी दे दिया कि अब हम थोड़ा संभल के चलते हैं। और अब क्योंकि मैं अपने राशि फल को फॉलो करता हूँ अच्छी तरीके से, तो उसमें साफ साफ कहा है हमारे पंडित जी ने कि मतलब अप्रैल महीने में, मतलब अरे वाह क्या बात है, करियर तो मस्त है। तो अप्रैल महीने में जो है हमारा रैश ड्राइविंग, हमारा मृत्यु नहीं, अरे यार मैं कुछ भी बोल रहा, रैश ड्राइविंग हमारा मतलब हानिकारक हो सकता है।
अभी मैं सीधा उब्राई मोड़ होके भी लेफ्ट ले सकता था, ये ट्रैफिक को एस्केप करने के लिए एक इंटरनल रास्ता है, तो इधर से हम लोग चल रहे हैं। इसका भी आप एक व्यू ले लीजिए। अरे वाह, ये क्या ये देखिए, ये है गोरेगांव। आई गेस ये आई गेस गोरेगांव, गोरेगांव का एक इंटरनल पार्ट है। इस जगह का एग्जैक्ट नाम क्या है जी? ईट भट्टी। तो दिस इज ईट भट्टी का लेन एंड दिस इज द ऑफिस ऑफ कार्निवल। ऐसे स्ट्रेट आते तो ओबराय मॉल हो रहा उस पर, वेस्टिन के नीचे रहा ओबराय मॉल, और मैं इधर से लेता तो थोड़ा ट्रैफिक को एस्केप कर सकते हैं। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इधर मेट्रो बन जाएगा, पूरा मेट्रो का भी काम चल ही रहा है। एंड यस, इसी तरीके से यहाँ पर कैब्स और रिक्शा वाले मस्त गाड़ी चलाते हैं। ये तो डिफरेंट कलर हो गया, काली पीली नहीं है, मे बी पर्सनल होगा। ब्रिज हम जैसे ही उतरते हैं, अरे भाई वो क्यों इतना हॉर्न बजा रहा है? आई गेस ये ब्रिज उतरते ही मलाड आ जाता है। एंड आज ट्रैफिक कंडीशन थोड़ा नॉर्मल है, बिकॉज आज संडे है। जी हाँ, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा भी रहता है यूजली। सो गोरेगांव टू कांदिवली इज़ नॉट एक्चुअली वेरी फार, आई गेस 7 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, बट थोड़ा ये ट्रैफिक। और इधर ये ऊपर देख रही है सारा, आप देखेंगे कि अभी का ब्लॉग आप देखना और फिर अपडेटेड ब्लॉग देखना कुछ महीने बाद। इधर मेट्रो चलेगा एंड होपफुली ये जो रोड है ना ये भी पूरा चकाचक हो जाएगा, उम्मीद रख सकते हैं इस चीज़ का। एंड ट्रस्ट मी, आई लिटरली लव राइडिंग बुलेट इन द लोकल क्योंकि इट्स वेरी स्मूथ एंड वेरी कंफर्टेबल। मुझे बस इसका सीट बदलवाना है अच्छे तरीके से, मत सीट लगवाना है। और आगे हैंडल का कुछ इश्यू है जो मैंने अभी तक सॉल्व नहीं करवाया, तो उसके हैंडल का कुछ काम करवा लेंगे प्रॉपर, बस बाकी तो गाड़ी गाना डाल। एंड हैंडल वाला काम भी इट्स लाइक बहुत ज़्यादा ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं लोकल राइड कर रहा हूँ, हालांकि इफ़ आई एम प्लानिंग फॉर सम लॉन्ग राइड्स देन इट इज़ काइंड ऑफ रिक्वायर्ड, बट एनी हाउ आई वॉन्ट बी डूइंग लॉन्ग राइड्स विद बुलेट बिकॉज यू नो व्हाट, ये आई विल बी ऑब्वियसली यूजिंग द हार्ले। एंड पूरा मतलब मेट्रो 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 होने वाला है, क्या बात है। दोनों तरफ आप खंबाज देख सकते हैं, तो फुल मुंबई इज़ लाइक अपग्रेडिंग टू नेक्स्ट लेवल।
दूसरे घर से देखो फिर ख़त्म हो गया रोड, तो ऐसा था कुछ। आई होप पूरा कर देना चाहिए बट स्टिल इट्स मैनेजमेंट। एंड गोरेगांव के बाद आता है मलाड, मलाड के बाद आता है कांदिवली। तो आई हैव रीच्ड कांदिवली एंड मेट्रो देखो हर जगह मतलब भयानक भयानक ही मेट्रो हो रहा है यार। कांदिवली तो आ गए, या तो मैं सीधा जाके ठाकुर विलेज तरफ से यू टर्न ले सकता था बट ये ग्रोवेल्स मॉल वाले जगह से मैं ये देखो हमारा बच्चा, हाँ हाँ बच्चा। तो कांदिवली में मैं आता हूँ लोखंड वाला, ग्रोवेल्स मॉल था पीछे, तो ग्रोवेल्स मॉल के तरफ से आपको सबसे पहले ब्रिज से नीचे उतर जाना है ग्रोवेल्स मॉल के लिए और फिर राइट लेंगे तो आप लोखंडवाला के लिए आ जाएंगे। या तो फिर आप अगर आप कार वगैरह से हैं तो आपको सीधा ठाकुर विलेज लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स मतलब ठाकुर कॉम्प्लेक्स या फिर ठाकुर विलेज वाले सिग्नल से यू टर्न लेना हो। सो दिस इज द लेन ऑफ आई हैव ऑलरेडी एंटर्ड, दिस इज लोखंड वाला आई गेस। सो ये है, अरे वाह ये भी एक नया चीज़ बन गया आई कैन सी। तो आगे है लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स, ये शायद से है हनुमान नगर आई गेस। तो या दिस इज हनुमान नगर। तो यू कैन स्टिल सी उधर भी बिल्डिंग बन रहा है, उधर भी बिल्डिंग बन रहा है, मतलब मुंबई क्या ही बोलने का यार, आने वाले वक्त में देखो कितना बिल्डिंग बनेगा। ये हनुमान जी का इलाका है, यहाँ हनुमान नगर। आज मैंने पहले ही सबसे पहली बार ये ध्यान दिया कि ये हनुमान नगर है। एंड 4:30 हो ही गया, यू कैन सी दिस बिल्डिंग इज ओएसएस करके बिल्डिंग बन रहा है, इसको भी आप बनते हुए देखेंगे। दिस इज लोखंड वाला। सो वेन यू एंटर लोखंड वाला यू विल फाइंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्लेसेस आर ऑफ महिंद्रा। तो महिंद्रा ने अभी कुछ तो फिल्म सिटी वगैरह बनाने का भी कुछ प्लान किया है, ये सारा आई गेस महिंद्रा का ही है। ये एरिया ये देखो ये भी महिंद्रा का ही है पूरा। एंड इधर से मतलब काफ़ी बड़ा है वो एंड इस तरफ भी है, तो यस महिंद्रा एंड महिंद्रा इन लोखंड वाला। देखो ये भी महिंद्रा, फुल नॉन महिंद्रा। एंड दिस इज द विस्परिंग बैम वेयर अन्या स्टेज इन साइड। आई होप यू आर एंजॉइंग द व्यू।
डिसाइडेड टू डू दिस एपिसोड क्योंकि अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे एक ही चीज़ को क्या बार बार दिखाने का यार। हम आ रहे हैं एक ही लोकेशन में, जिस तरीके से ये रिक्शा अभी आगे से गया उस तरीके से हर दिन नहीं जाएगा, तो हर दिन कहानी अलग होंगी। यस, जैसे ये ब्रेकर नहीं था इतना बड़ा कुछ दिन पहले, अभी बन गया। यस, और आप देखिए हमारे रिक्शा वाले क्या कर रहे हैं, मस्त रिक्शे को दो टांग पे कर दिए, तो ये हर दिन थोड़ी होगा। यस, दैट्स द ऑक्टोपस, द बिल्डिंग ऑफ द बिल्डिंग वेयर बेन स्टेज। तो ये इतने बड़े बड़े ब्रेकर बन गए हैं। ओ बाबा, तो दिस इज ऑल्सो कूल काइंड ऑफ रेसिडेंशियल एरिया। इन कमिंग टाइम आई कैन इन्वेस्ट मनी टू बाय सम प्रॉपर्टीज हियर होपफुली, एंड आई वुड लव टू बाय इन ऑक्टोक्रेस्ट ओनली वेयर बेन स्टेज। आई गेस अराउंड 2 crore तक या 1.5 तक आ जाना चाहिए इस बिल्डिंग में। जितने लोग हमारे ब्लॉग को फॉलो करते हैं, HDFC बैंक का चाय, कुछ याद आया बेन के साथ जो हम कुछ लम्हे बिता रहे थे वो यही जगह है। जी हाँ, तो यस यहाँ पे हो जाता है लोखंड वाला का, मतलब ये एक डेड एंड ही हो गया, इससे आगे आप नहीं जा सकते। दिस इज द बिल्डिंग, और यहाँ पे भी ब्रेकर है। द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेकर इज एक्चुअली Yes, I have reached 4:34 हो रहा, तो दिस वॉज गोरेगांव टू कांदीवली एंड नाउ कांदीवली टू गोरेगांव। एंजॉय इट, लेट्स गो। आई वॉज गेटिंग अ कॉल एज वेल, cool but where are you down, chala jaye 4:35 degree temperature ke sath average।